सभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे आखिर में पीएमजी दिशा के बारे में। जैसे थंबनेल को देखे आपने पहचाना होगा कि आखिर में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा पीएमजी दिशा यानी कि पीएमजी दिशा न्यू अपडेट क्या आया है। पीएमजी दिशा मोबाइल एंड्रॉइड ऐप यानी कि मोबाइल ऐप के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और ये जो आपका है आखिर में ऐप डाउनलोड सॉफ्टवेयर है कहाँ से मिलेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आप लोग हर दिन की तरह छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी डिजिटल चैनल पर अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन मिलता रहे। जैसे कि आप देखें यानी कि सीएससी पीएमजी दिशा के बारे में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे पीएमजी दिशा। जैसे पीएमजी दिशा लिखने के बाद आप इस तरह से सर्च करेंगे और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे यानी क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे होम पेज आया, अबाउट आया, अबाउट में आप सारी चीजें देख रहे हैं कि आखिर में है क्या चीज। यहीं पे ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे असेसमेंट आता है और पैराग्राफ आता है और यहाँ से सारी डिटेल्स आपको देखते हैं। लेकिन मैं जो आज बताया आखिर में ऐप के बारे में तो आपको क्या करना होगा, ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो सबसे पहले ऐप के बारे में हम जानेंगे। ऐप को डाउनलोड कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करना होता है, तो देखिए जैसे कि हम ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे को जैसे आएंगे यहीं पे लिखा है पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन ऐप मैनुअल। अब यहाँ पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन ऐप मैनुअल पे हम क्लिक जैसे करते हैं तो यहाँ से पता चलता है आखिर में मैनुअल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाता है। तो सबसे पहले मैनुअल दिखाते हैं। मैनुअल में इस तरह से डैशबोर्ड खुलता है जैसे इस साइड में दिखा रहा है, फिर इसके बाद इस साइड में जैसे स्टेप बाय टू में दिखाता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज दिखाता है। फिर इसके बाद आप यहाँ से आएंगे कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि कितने हमारे रजिस्ट्रेशन बाकी है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर एड करने होंगे, मोबाइल नंबर के बाद इस तरह से कुछ प्रोसेस करना होगा, फिर ओटीपी आपको प्रेस करना होता है। ओटीपी के बाद हम जानेंगे आखिर में क्या करना होगा। ओटीपी के बाद यहाँ पे आपको डालना होगा आधार नंबर या वर्चुअल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ। ये चीज डालने के बाद अब यहाँ से आता है, यहाँ से आप देख रहे हैं स्टेट यानी कि सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें डालने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पे प्रोफेट पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोफेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह फेट करने होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के समय, यहाँ सबमिट करेंगे, प्रोफेट करेंगे। प्रोफेट के बाद कुछ इस प्रकार से प्लीज अपलोडेड यानी कि फोटोग्राफ आपको खींचना है, फोटो अपलोडेड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप यहां से देखेंगे ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं, तो आप यहां पे आएंगे पीएमजी दिशा के साइट पे और ट्रेनिंग पे जाएंगे। ट्रेनिंग पे जाने के बाद यहां पे दिया है दिशा रजिस्ट्रेशन ऐप पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से होता है जो कि मोबाइल में, अगर हम यहाँ से फो करके दिखाते हैं क्या मोबाइल में खुलता है, नहीं, जैसे फो ऐप करते हैं तो इस तरह से कुछ मेरा ऐप दिखा रहा है, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से मेरा ऐप ओपन हो रहा है जो कि कंप्यूटर वर्जन नहीं है, ये मोबाइल वर्जन है। आप मोबाइल में डालेंगे ऑटोमेटिकली आपको करके देख पाएंगे। तो दोस्त आपने आज देखा आखिर पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मोबाइल एंड्रॉइड ऐप से और आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है, बिना फिंगरप्रिंट के और सभी चीजों से आप आसानी से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो आपने देखा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जो कि आप जाके आसानी से वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप अनेक चीजें जानकारियां ऐसे आपको मिलती रहेंगी। अगर न्यू चैनल पे मेरे न्यू है तो आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी जरूर दबा ले, घंटा घंटी क्या कहते हैं उसे दबा लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि कैसा वीडियो क्या रहा, आज की वीडियो में क्या मैं बताया। तो